जो अपने आप में है ना अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है ऐसा आप कह सकते हैं विलियम बैंटिक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइस राय इन इंडिया है ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गवर्नर जनरल्स इन इंडिया मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया वॉइस राय का भी प्रयोग किया गवर्नर जनरल का भी प्रयोग किया ऐसा क्यों किया ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1957 के बाद इसी पद को वॉइस राय बोला जाने लगा तो अगर रूप से जितने वॉइसराइज रहे और जितने गवर्नर जनरल्स रहे सबको मिलाकर देखूं तो उनमें से अगर सबसे पॉपुलर सबसे फेमस कुछ ऑफिसर्स हुए तो उनमें से एक थे विलियम वन ऑफ द मोस्ट लिबरल है ना वन ऑफ द मोस्ट लिबरल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इंडिया है ना सबसे लिबरल ऑफिसर चार्ज में इनकी गिनती होती है विलियम बैंटिक ने सामाजिक सेक्टर में यानी कि सोशल सेक्टर में काफी सारा काम किया और इनके सोशल सेक्टर में किए गए कामों के लिए इनको याद किया जाता है। अगर मैं बात करूँ सल्तनत काल की मुगल काल की उसी समय से भारत में है ना राजपूत पीरियड के टाइम से ही भारत में जब भारत में आक्रमण होने लगे बाहरी जो हमारे उत्तर पश्चिम की ओर या पश्चिम की ओर जो क्षेत्र थे वहां से हमारे यहाँ आक्रमण होने लगे है ना मुगलों का आक्रमण हुआ उससे पहले और भी हमारे तुर्कों का आक्रमण हुआ अफगानियों का आक्रमण हुआ इस कालखंड से ही भारत में एक कुप्रथा शुरू हो गई थी जिस कुप्रथा का नाम था सती सिस्टम है ना सती की प्रथा तो सती की प्रथा को खत्म करने वाले भी आधुनिक भारत में विलियम बैंटिक ही है ना आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आप हाईवे के साइड में जा रहे हैं और आपको लूट ले लिया गया एक गैंग के द्वारा और रुमाल से आपके है ना रुमाल से आपको गले की चारों तरफ बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया जी हाँ ऐसा भी होता था एक बैंड एक ग्रुप हुआ करते थे डकैतों के जो ऐसे कारनामे भी करते थे उनको भी सप्रेस करने का काम विलियम बैंटिक ने किया है ना तो विलियम बैंटिक अपने सामाजिक कार्यों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में में रहते हुए सोशल सेक्टर इन्होंने जो काम किया उसके लिए जाने जाते हैं आइए फटाफट से शुरू करते हैं विलियम बैंटिक की कहानी पर इससे पहले कि मैं शुरू करूं आपके साथ विलियम बैंटिक की कहानी एक बार फटाफट से सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा है ना सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है जी ओके मिश्रा जी ओके मिश्रा जी चलिए भाई फटाफट से शुरू करते हैं कहानी विलियम बेंटिक की और पर इससे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है सर इंपॉर्टेंट बात है ये अपना शेड्यूल मॉर्निंग सेवन एम पे हम करते हैं लक्ष्मीकांत का सेशन है ना मॉर्निंग नाइन एम पे हम करते हैं एमसीक्यूज कल जो एमसीक्यू है वो लक्ष्मीकांत चैप्टर वन से नाइन है ना कल चैप्टर वन से नाइन लक्ष्मीकांत ठीक है लक्ष्मीकांत चैप्टर वन से नाइन तो कल देखने वाले हैं हम कि हमें कितना है दम दिखाओगे ना दम कल नौ बजे सुबह की ऐप पे ठीक है ओपन है कैन कम जो नए बच्चे हैं उनको बस क्या करना है कोड यूज करना है डी एन लाइव है ना इन सारी क्लासेस का लिंक कहाँ पे मिलता है सर इन सारी क्लासेस का लिंक मिलता है टेलीग्राम के इस चैनल पे एट द रेट आरोहन वन ये एट द रेट आरोहन वन जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक कहाँ मिलेगा या तो आप डायरेक्ट

टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और भी कई सारे फायदे हैं दिस इज द फी फॉर अन फॉरमी सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बाकी डिटेल आपको सेशन के एंड में बता दिया जाएगा चलिए शुरू करते हैं विलियम बैंटिक की कहानी सबने ज्वाइन कर लिया एक बार फटाफट से चली। चली, आ जाओ चलिए चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए तो आइए सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि व्हाट इज द बैकग्राउंड है ना किस बैकग्राउंड में विलियम बेंटिक साहब जो हैं भारत आते हैं है ना विलियम बेंटिक साहब जब भारत आए तो उस समय भारत की स्थिति या भारत की परिस्थिति क्या है पहले जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे की बात को समझने की कोशिश करेंगे है ना फिर आगे की बात को समझने की कोशिश करेंगे आप विलियम बेंटिक साहब का कार्यकाल देखिए भारत आए एटीन के अराउंड एटीन में जब ये भारत आए उससे पहले क्या हुआ है उससे पहले 1813 में इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया गया है है ना इंडियन मार्केट को क्या कर दिया गया है ओपन कर दिया गया है ठीक है कंटेक्ट समझना पड़ता है पहले किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में किसी के भी आप ड्यूरेशन के बारे में समझना चाहते हैं तो कंटेक्ट समझना पड़ता है बैकग्राउंड समझना पड़ता है थर्टीन में इंडियन मार्केट को सबके लिए ओपन कर दिया गया है ना और थर्टीन में कल हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात कर रहे थे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो क्षेत्र विस्तार का, का काम कर रहे हैं

बीजीचे घूम गया कीजिए हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है जी ठीक है जी घूम जाया करेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल चिंता ना करें जल्दी बताओ ऑडियो वगैरह क्लियर है ना कोई दिक्कत तो नहीं ये मेरा रेड बटन जल रहा है यहाँ पे इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे जल्दी बताओ जल्दी 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 ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू हाँ जी तो हम बात कर रहे थे इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया गया अब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खूब सारी विजय भी स्थापित कर ली है ना खूब सारे क्षेत्र अपने अंडर कर लिए अब एक बात बताइए आपको अपना सामान बेचना है आप जरा इस नजरिए से सोचिए मेरे नजरिए से सोचिए आप अपना कुछ सामान बनाते हैं आप पिज्जा बनाते हैं बर्गर बनाते हैं कोई भी वेस्टर्न जी जींस बनाते हैं और आप उन लोगों को बेचना चाहते हैं जो दाल रोटी खाते हैं जो घी मलाई खाते हैं है ना जो धोती कुर्ता पहनते हैं जो लुंगी पहनते हैं जो गमछा बांधते हैं उनको आप कैप और हैट पहनाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया आपने है ना कि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो क्या वो दाल रोटी छोड़कर पिज्जा बर्गर खाने लगेंगे क्या वो धोती कुर्ता छोड़कर है ना वो गमछा छोड़कर क्या वो शर्ट पैंट और जीन्स पहनने लगेंगे टाई लगाने लगेंगे क्या वो ब्रिटेन के गुड्स खरीदने लगेंगे क्या सिर्फ क्षेत्र पर आपने कब्जा कर लिया तो नहीं करेंगे नहीं करेंगे आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा और आपको इन्वॉल्व होने के साथ साथ ये दिखाना पड़ेगा कि योर ब्रेड है ना आपकी जो दाल रोटी है उससे बेहतर है ये पिज्जा उससे बेहतर है ये बर्गर आपकी जो धोती है उससे बेहतर है ये जीन्स आपका जो है ना वो गमछा है जिसपे जिसको आप सर पे भी बांध लेते हो शरीर भी ढक लेते उससे बेहतर है ये शर्ट तो आपको शो करना पड़ेगा यू विल हैव टू प्रूव कि माय प्रोडक्ट्स आर बेटर है ना कि हमारी चीजें आपसे ज्यादा बेहतर है अब आप क्यों माने कि हमारी चीजें आपसे ज्यादा बेहतर है भाई कोई समझाना चाह रहा है पर आप क्यों मानेंगे है ना आपको लगता है नहीं भैया मेरी चीज बढ़िया है दाल रोटी यार क्या बढ़िया चीज है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे किसी ना किसी प्रकार से ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी जो समाज है आपका जो समाज है आपकी जो संस्कृति है वो इनफीरियर है और फिर मैं बोलूंगा कि मेरा देखो कितना सुपीरियर है तो एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी पहले जनरेट करनी पड़ेगी फिर आपको लगे यार दाल रोटी भी कोई खाने की चीजें चावल दाल खाएंगे अरे रे, आलू अरे रे रे वो खिचड़ी बोल दलिया ना, ना ना, पीता ब्रेड खाएंगे हम तो है ना लजानिया खाएंगे ठीक है हम तो भैया बर्गर खाएंगे तो पहले आपको बताना पड़ेगा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बेकार की चीजें दाल रोटी वगैरह नहीं खाना है है ना दलिया नहीं खाना है तो पहले बताना पड़ेगा तो पहले क्या करना है पहले इनफीरियर फील करवाना है इंडियन सोसाइटी कैसे फील करवाएंगे इनफीरियर फील करवाने के लिए तुम्हारी गलतियां निकालेंगे है ना मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन सोसाइटी कोई बहुत बढ़िया थी उस समय सारी चीजें ठीक थी आई एम नॉट से देखो आप में भी कुछ दिक्कतें होंगी आप में भी कुछ निगेटिव पॉइंट्स होंगे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे मेरे में भी कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव है पॉजिटिव यह है कि भैया जो पढ़ाऊंगा डंके की चोट पे पढ़ाऊंगा वहां से क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो सकता निगेटिव यह है कि मैं चाहने के बाद भी क्लास में लेट आता हूँ है ना निगेटिव यह है कि मैं चाहने के बाद भी क्लास में लेट आता हूँ तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव मेरे में भी कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव हर व्यक्ति में हर इंसान में होता है और इसी प्रकार से समाज में भी होता है एवरी सोसाइटी है सर्टेन पॉजिटिव पॉइंट्स एवरी सोसाइटी है सर्टेन पॉइंट्स

फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट से किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट ही नहीं किया जा सकता जो गलत है वो गलत है जो इन वो इन्यूमन है जो अमानवीय है वो अमानवीय है प्रथा था और भारत इस कुरीति को कई वर्षों से नहीं कई दशकों से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से ढो रहा था मध्यकालीन भारत के समय से ही ढो रहा था और अब समय आ गया था अब समय आ गया था आपको इब्ने बतूता याद होंगे है ना इब्ने बतूता याद होंगे इब्ने बतूता एक बार सड़क पर जा रहे थे तो इब्ने बतूता ने देखा है ना इब्ने बतूता याद दे, है 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 उन्होंने देखा कि एक एक शव शव यात्रा यात्रा जा रही है, है ना और के आगे आगे स्त्री को बिल्कुल सजा सिंदूर लगाकर गहने है ना साड़ी नए कपड़े पहनाकर ले जाया जा रहा है छोटी सी स्त्री भी नहीं थी वो छोटी सी बालिका थी है ना बाल विवाह का प्रथा था उस समय तो छोटी सी बच्ची सी थी उसको साड़ी कपड़े पहनाकर तिलक विलक लगाकर सिंदूर तेल सब लगाकर ले जाया जा रहा था इबने बतूता परेशान हो गई कि यार एक तरफ लाश जा रही है शोक मन रहा है दूसरी तरफ इस बच्ची को इतना सजा सजा कर कहा ले जा रहे हैं आगे आगे ही चल रही है पीछे पीछे शव यात्रा चल रही है इबने बतूता पीछे पीछे पहुंचे इबने बतूता पीछे पीछे पहुंचे जरा देखे भैया क्या चल रहा है तो वो शव यात्रा शमशान तक पहुंची तो उन्होंने बोला यार ठीक है शमशान तक तो पहुंच गई तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय जो है वो खुशी मना रहे हैं या शोक मना रहे हैं एक तरफ सजीदी कन्या दिख रही है दूसरी तरफ शव दिख रहा है तो उन्होंने घाट पर ही थोड़ी दूर से देखना शुरू किया कि आखिर माजरा क्या चल रहा है उन्होंने देखा कि चिता चलाई गई है ना चिता जलाने के बाद कुछ रिश्तेदारों ने जबरन उस कन्या को पकड़कर अग्नि के हवाले कर दिया इब्ने बतूता इसको देखकर बेहोश हो गए बेहोश वहीं गिर गए वहीं गिर गए दरबार में पहुंचे बोले महाराज क्या हो रहा है आपके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ऐसी प्रथाएं चलती हैं आपके हिंदुस्तान में तो दिस वॉज दिस द कंडीशन अब इन्हीं चीजों को, है। है इन्ही को निकालना है और उन जब निगेटिव चीजों को उजागर किया जाएगा उन पर बैन लगाया जाएगा तो फिर भारतीयों के अंदर आएगा कि नहीं यार ये कितने अच्छे लोग हैं इनकी संस्कृति इनकी सभ्यता कितनी अच्छी है हमारी कितनी गड़बड़ थी और इस कंटेक्स्ट में ठीक भी है कुछ हद तक कुछ हद तक ये बात तो ठीक भी है कि यहां पर हमारी में कुछ शुरू किया कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं और ये जो पश्चिम की सभ्यता है ये बहुत बढ़िया है तो एक पार्ट तो ठीक था हमारे यहां कुछ गड़बड़ियां थी पर जो दूसरा पार्ट है कि पश्चिम की सभ्यता है जिसको ग्लोरीफाई किया जा रहा था है ना जिसको चमका के बिल्कुल हाईलाइट करके दिखाया जा रहा था कि देखो वेस्ट में सब कुछ कितना अच्छा है ये ये हिस्सा, ये बात हिस्सा कितनी सही है ये आपके और समझने समझने का विषय ये बात कितनी सही है कितनी है ना सत्य है यह हमारे और आपके समझने का विषय है दे क्लेम्ड समथिंग वॉट यू कॉल एज वाइट मैन सुपीरियोरिटी है ना कि गोरे लोग जो हैं वो क्या हैं सुपीरियर लोग हैं अच्छे लोग हैं बोले ये जो ब्लैक पीपल है इंडिया के अफ्रीका के इन देशों को है ना सिविलाइज करने की जिम्मेदारी हमारी है इन देशों को सिविलाइज करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब जब आपको लगे यार मेरा अच्छा नहीं सलमान खान जो खाता है वो बड़ा अच्छा है सलमान खान की डाइट बड़ी अच्छी है तो आप सलमान खान को कॉपी कर लेंगे आप देखेंगे यार ऋतिक रोशन की क्या बॉडी है यार मेरे तो यार है ऋतिक रोशन को कॉपी करेंगे तो वही चीज हो रही है अब वेस्ट की सभ्यता को कॉपी करेंगे जब वेस्ट की सभ्यता को कॉपी करेंगे तो वेस्ट जो प्रोडक्ट यूज करता है वो आप भी खरीदेंगे बन गया उनका मार्केट भाई साहब बन गया उनका मार्केट तो हिडन एजेंडा कुछ और है डिक्लेयर्ड एजेंडा कुछ और है और इसी समावेश को इसी कंटेक्स्ट को इसी इंटरकनेक्शन को जिस दिन आप समझ गए आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा बोलो नंदन बाबा की है ना जिस दिन ये सेंटर कनेक्शन को समझ गए उसी दिन यूपीएससी मेंस आपके हाथ में आपकी मुट्ठी में है मुश्किल कुछ भी नहीं अप्रोच समझ में आना चाहिए है ना हिस्ट्री पढ़ा तो दुनिया भर के टीचर रहे दुनिया भर के टीचर रहे है ना पर अप्रोच वो मैटर करता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है और हिस्ट्री पढ़ाते हैं कैसे पता लगे कि एसएससी में पूछा जाने वाला है उस हिसाब से पढ़ दिया भाई साहब बोर्ड पे जो लिखा है बोर्ड पे जो लिखा है वो पढ़ने से अगर हिस्ट्री पढ़ने में आ जाता तो स्पेक्ट्रम डायरेक्ट रीडिंग कर लेते स्पेक्ट्रम से बढ़िया सोर्स है क्या कोई पर जब तक बैकग्राउंड नहीं समझोगे तब तक मजा कैसे आएगा है ना कंफर्टेबल कंफर्टेबल समझ गए यहां तक की बात चलिए चलिए तो क्लास भी चलनी चाहिए और साथ ही साथ थोड़ी हंसी मजाक भी चाहिए तो बैकग्राउंड एक तो मैंने आपको बताया जो समझने वाला है और बैकग्राउंड देखिए क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति थी है ना आर्थिक स्थिति जो थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि बहुत लंबे समय से एंग्लो एंग्लोबर्मी वॉर चल रहा था वॉर ऑलवेज टेक्स अ टॉल ऑन द फाइनेंस जब भी लड़ाई चलेगी ना तो जब भी लड़ाई चलेगी वो फाइनेंस का है ना हानि ही करेगी फाइनेंस में कभी भी वृद्धि नहीं होती लड़ाई से वो उस जमाने में अशोक के जमाने में हुआ करती होगी शायद है ना उनके टाइम पे भी बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती थी और अगर वृद्धि होती थी तो तो खजाने के लिए तो एंगलो इंडिया में, इस कालखंड में आपको लोगों के बीच देखने को मिल रहा है हो क्यों ना इसके पहले के गवर्नर जनरल को देखिए आप जब मन किया उधर घोड़ा दौड़ा दिया कल इधर दौड़ा दिया कल उधर दौड़ा दिया आज इस राज्य को हथिया लिया कल उस राज्य को हथिया लिया आज इस राजा को मरवा दिया कल उस राजा के साम्राज्य पर अपना कब्जा अपना कब्जा जमा लिया तो हो क्यों ना लोगों में है ना मेंशन हो क्यों ना लोगों में कोई एग्रीकल्चर की स्थिति अच्छी नहीं है लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा लिया जा रहा है कहीं पर परमानेंट सेटलमेंट है वहां के लोगों की वैसी हालत खराब है तो एक जनरल डिससेटिस्फेक्शन संपूर्ण देश में आपको देखने को मिल रहा है है ना जनरल संपूर्ण देश में दिख रहा है तो जब लोग मेरे खिलाफ विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं उसी समय में लोग को दिखाने अरे खामियां है उसको देखो बैकग्राउंड समझ रहे हैं बैकग्राउंड समझ रहे हैं भारत आए हैं 1828 के पांच साल बाद 1833 में क्या होने वाला है एक दूसरा एक्ट आने वाला है 1813 में इंडियन मार्केट को ब्रिटिशर्स के लिए खोल दिया गया था सारे ब्रिटिश कंपनी के लिए खोल दिया गया था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली दो चीजों में रखी गई थी टी और ट्रेड एक्ट आएगा 1833 में जब एक्ट आएगा तो कंप्लीट है ना कंप्लीट ओपनिंग ऑफ इंडियन मार्केट कंप्लीट ओपनिंग ऑफ इंडियन मार्केट ठीक है इंडियन मार्केट को पूरी तरह खोल देंगे बोले ईस्ट इंडिया कंपनी बोले कोई मोनोपोली नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी की बोले ईस्ट इंडिया कंपनी हैज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल टू प्ले ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था देखेगी बिजनेस रोल नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी का डिक्लेरेशन 1833 तो उसकी तैयारी कर रहे हैं 1833 में जो करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी से 28 से क्यों 13 में पहले किया था 20 साल बाद है ना तो

ने थोड़ी बहुत शुरुआत की फिर आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी बढ़िया साम्राज्य स्थापित कर लिया क्यों क्योंकि साम्राज्य स्थापित करने के लिए उस राज्य में उस जगह पर उस क्षेत्र में काम करना पड़ता है तभी साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे तो सिर्फ जीतने से काम नहीं होगा जो कॉन्क्वेस्ट किया है उन क्षेत्रों में कुछ काम भी करना पड़ेगा जमीन पर काम भी करना पड़ेगा है ना तभी ब्रिटिश पावर की क्या दिखा पाएंगे रेलेवेंस दिखा पाएंगे कि क्यों ब्रिटिश पावर का आना यहां पर जरूरी है तो धीरे धीरे कंपनी को साइड में कर कर ब्रिटिश हुकूमत ब्रिटिश ब्रितानी सरकार खुद यहां पर स्थापित होना चाहती है और उसी का बैकग्राउंड है ये उसी का बैकग्राउंड है और अगर इतनी बातें आपके आपके समझ में में आ गई तो मेंस में दो नंबर ज्यादा आएंगे है ना मेंस में दो नंबर आपके ज्यादा आएंगे तो डिससेटिस्फेक्शन था बंगाल के बैरकपुर में म्यूटिनी भी देखने को मिली है ना वहां पर विद्रोह कर दिया छोटा सा ही विद्रोह था पर दीज आर साइंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अब कुछ तो करना पड़ेगा ना तो करना पड़ेगा तो आइए देखते हैं क्या क्या करना शुरू किया इन्होंने तो विलियम बैंटुक ने यहाँ पर री करना शुरू किया एक इक्विलिब्रियम ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंसेस के मामले में है ना सबसे पहले फाइनेंसेस की बात की इन्होंने एक इक्विलिब्रियम स्थापित करने की कोशिश की एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की क्योंकि फाइनेंसेस के हालत खराब थे है ना ईस्ट इंडिया कंपनी से भाई बिजनेस के जो पावर्स थे एटीन में ले लिया गया था तो इकोनॉमी जो है इनकी हिल गई थी इनकी पर्सनल जो कंपनी की पर्सनल अर्थव्यवस्था है वो हिल गई थी तो इन्होंने जो परमानेंट एक्सपेंडिचर था किसका परमानेंट एक्सपेंडिचर कंपनी का परमानेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया ही रिड्यूस द परमानेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी अमाउंटिंग टू 15 लाख स्टर्लिंग एवरी ईयर है ना परमानेंट एक्सपेंडिचर को बोला खर्चा कम करो है ना खर्चा कम करो फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम आ गया है ना तो खर्चा कम किया गया इनकॉर्पोरेटेड रिवेन्यू फ्रॉम लैंडियर ठीक है ना, से पहले नहीं आया था किसी तरह से है ना वहां का लैंड रिवेन्यू चूक गए थे लेना कलेक्ट करना या उन लोगों ने चपत लगा दी थी बोले हर जगह से कोई छूटना नहीं चाहिए टैक्स बेस जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जाए है ना

के ट्रेड से बड़ा फायदा होता था भारत में, में कई सारे पैसा अब आप जरा रिलेट करके देखिए कोविड का टाइम आया है ना कोविड का टाइम आया जब थोड़ा सा अनलॉक में रिलैक्सेशन दी गई शराब की दुकानें खुली शराब की दुकानों के बाहर लाइन लगनी शुरू हुई और राज्य सरकारों ने क्या किया राज्य सरकारों ने सरकार पर अतिरिक्त कर लगाया राज्य सरकारों ने सरकार पर अतिरिक्त कर लगाया तो चाहे आप बात करें की करेंड्रेड ट्वेंटी चाहे आप बात करें विलियम बैंटिक की चाहे आप बात करें केजरीवाल की सरकार का पैटर्न सेम एडमिनिस्ट्रेटर की कुछ कोर चीजें कभी नहीं बदलती चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो भारतीय हो चाहे वो बीजेपी वाले हो चाहे वो कांग्रेस वाले हो चाहे वो आम आदमी पार्टी वाले हूँ और चीजें कभी नहीं बदलती एडमिनिस्ट्रेशन में तो इन्होंने ओपियम के कल्टीवेशन पर क्या बढ़ा दिया ड्यूटी को बढ़ा दिया सर्विसेज ऑफ द कंट्री है ना थ्रू है यहाँ पे थ्रू दो नहीं है थ्रू तो भारत के जो लोग हैं है ना yeah, भारत के जो लोग हैं उनके लिए सर्विसेज में एंट्री को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है हालांकि कुछ खास हो नहीं पाएगा खास 1853 तक नहीं हो पाएगा ठीक है फिर इनका जो मास्टर स्ट्रोक है उसकी बात करते हैं इनका जो मास्टर स्ट्रोक है उसकी बात करते हैं ठीक है इसका जो इनका जो मास्टर स्ट्रोक है उसकी बात करते हैं अच्छा मुझे साइड में आना था ना मैं भूल गया ये लो साइड में आ गया स्क्रीन ले लो स्क्रीन ले लो जल्दी से ले लो जल्दी से ले लो जल्दी से, से लो जल्दी से, से लो ले लिया चलिए अगर ले लिया तो फिर आइए अब आपको बताते हैं इनके चार मतलब मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में ऑफ सती के बारे में पर आइए इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए कहानी विलियम बेंटिक की कहानी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं देखो भैया सिंपल सा मतलब है कोचिंग कोचिंग इज इक्वल्स टू सिंप्लीफिकेशन कोचिंग का मतलब क्या है सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए अगर मास्टर से पढ़ने के बाद भी का नहीं हुआ, नहीं हुआ, पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो सिंप्लीफिकेशन होना तो तो चाहिए तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं चार पिलर्स में मैं बांट देता हूं विलियम बेंटिक के काम विलियम बेंटिक के काम को मैं चार पिलर्स में बांट देता हूं है ना

कि वेस्टर्न एजुकेशन बड़ा अच्छा है वेस्टर्न साइंसेस बड़े अच्छे हैं वेस्टर्न नॉलेज की चाहत कैसे पैदा होगी तो एजुकेशनल रिफॉर्म है ना सुपीरियोरिटी भी तो शो करनी है अपनी और अपनी सुपीरियोरिटी शो करनी है अपनी सुपीरियोरिटी को शो करने के लिए यहां पर प्रयास क्या रहेगा यहां पर प्रयास क्या रहेगा जल्दी बताओ अपनी सुपीरियोरिटी को शो करने के लिए यहां पर प्रयास रहेगा कि अपने अपनी जो अच्छी चीजें हैं उनको बताएं और आपकी जो निगेटिव चीजें हैं उनको घटाएं और एजुकेशनल रिफॉर्म बड़ा लंबी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं एजुकेशनल रिफॉर्म क्यों कर रहे हैं देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के रोल को घटा रहे हैं सरकार के रोल को बढ़ा रहे हैं सरकार के रोल को बढ़ा रहे हैं और टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं मतलब और ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी या नहीं होगी और ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स और ज्यादा लोगों की जरूरत होगी या नहीं होगी प्रशासन व्यवस्था में भैया इनका टेरिटरी पहले इतना था अब इतना हुआ अब और बढ़ रहा है और ज्यादा लोगों की जरूरत होगी अब इंग्लैंड से हर चीज के लिए अगर लोगों को बुलाएंगे छोटे छोटे कामों के लिए तो खर्चा बढ़ेगा फाइनेंशियल दिक्कत भी थी अभी अभी बताया था तो हर चीज के लिए इंग्लैंड से नहीं बता बुलाना, हाई के लिए इंग्लैंड से बुलाएंगे सबॉर्डिनेट जॉब्स अब सोच रहे हैं कि यहीं यहीं के के लोगों लोगों को को देंगे पर यहीं के लोगों को अगर सबॉर्डिनेट बहुत जॉब देना चाहते हैं तो उससे पहले उनको सिखाना भी तो पड़ेगा उनको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स दिमाग लगाओ बालक दिमाग है ना भाई साहब मॉडर्न हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप कहते हैं बोरिंग सब्जेक्ट आप कहते हैं बोरिंग इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ तो सब कुछ है पॉलिटिक्स है ज्योग्राफी है इकोनॉमिक्स है सब कुछ है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एजुकेशनल रिफॉर्म क्यों कर रहे हैं क्योंकि सबॉर्डिनेट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, है स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और सबॉर्डिनेट स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्यों है बालक सबऑर्डिनेट स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्यों थी पूरा का पूरा चला गया यार दोबारा बनाना पड़ेगा Subordinate staff की की क्यों ही? जल्दी बताओ? Why? Do they need subordinate staff? है ना? दोबारा लिख लेना. जरूरत क्यों है बता दिया आपको मैंने टेरिटरी बढ़ रहा है ना हर चीज के लिए इंग्लैंड से नहीं बुला सकते लोगों को सबॉर्डिनेट स्टाफ ठीक है और सिर्फ यही पर्पस नहीं है यही पर्पस नहीं है जब शिक्षित होगा जब वेस्ट की संस्कृति से परिचित होगा जब वेस्ट की सोसाइटी सोसाइटी से परिचित होगा किताबों के माध्यम से तो उसका टेस्ट डेवलप होगा वेस्टर्न चीजों में है ना तो वो चीजें खोजने लगे क्योंकि भैया जीन्स मिल जाए भैया टाई मिल जाए भारत में टाई पहनना किसने शुरू किया होगा जींस पहनना सूट बूट पहनना किसने शुरू किया होगा जिसका शिक्षा हुआ वेस्टर्न एजुकेशन में है ना अब कोई गांधी जी के आश्रम में जाके सीखता था उसको थोड़ी ना शौक होगा कि भैया मैं टाई लगा के घूमूंगा और सूट वूट पहन के घूमूंगा मोटर गाड़ी में घूमूंगा गांधी जी के आश्रम वाला खादी पहन के घूमेगा कुर्ता गांधी टोपी लगाएगा जो वेस्टर्न शिक्षा लेगा वही तो ब्रिटिशर्स का माल खरीदेगा सामान खरीदेगा परपस समझ पा रहे हो है ना लिखते जाओ फटाफट से जल्दी लिखते जाओ जल्दी लिखते जाओ ठीक है ठीक है चलिए और क्या पॉलिसी है इनकी यहां पर और क्या पॉलिसी है प्रेस फ्रीडम है ना प्रेस फ्रीडम प्रेस फ्रीडम क्यों देना चाहते हैं प्रेस फ्रीडम क्यों देना चाहते हैं मैंने आपको पहले ही बताया टेरिटरी खूब जीत ली अब समाज के अंदर जगह बनानी है है ना समाज के अंदर जगह क्या उन पर बार बार लगाम लगा के उनको बार बार सप्रेस करके समाज के अंदर जगह बनाएंगे क्या प्रेस फ्रीडम सो so दैट जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उसको अंग्रेज लगे अरे यार कितने अच्छे लोग हैं यार बड़े भले मानुष है

चलिए आगे चलते हैं एवोल्यूशन ऑफ सती समझते हैं यहां तक कोई दिक्कत ताकि स्नैक्स में चने की जगह चिप्स खाने लगे बिल्कुल सही समझ गए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी एकदम मक्खन जैसा क्लियर हो रहा है तब तो बताओ मक्खन जैसा क्लियर होना चाहिए सर जिस दिन हिस्ट्री मक्खन जैसी क्लियर नहीं हुई बोरिया बिस्तर समेट के हिमालय चले जाएंगे है ना बोरिया बिस्तर समेट के हिमालय चले जाए अगर मेरे बच्चों को हिस्ट्री क्लियर नहीं हुई ऑफ सती है ना तो वैसे अंग्रेजों से पहले अंग्रेजों से पहले किसी और ने किसी और यूरोपियन पावर ने सती को बैन किया था ये यूरोपियन पावर कौन थे ये यूरोपियन पावर वो थे जिनका रूल गोवा में था गोवा में किसका रूल था गोवा में पुर्तुगीज का रूल था है ना गोवा में पुर्तगीज का रूल था तो सबसे पहले यही लोग थे सबसे पहले यूरोपियन पावर्स यही थे है ना जिन्होंने बैन किया था कब 1515 में ठीक है 1515 में पर गोवा में बहुत ज्यादा प्रिविलेंट भी नहीं था गोवा में बहुत ज्यादा प्रिविलेंट भी नहीं था ज्यादा प्रविलेंट कहाँ था ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रेविलेंट था प्रैक्टिस वॉज बैंड बाय डच एंड फ्रेंच ऑल्सो इन चिंसूरा एंड पौंडीचेरी रिस्पेक्टिवली तो पौंडीचेरी चिंसूरा वगैरह में भी डच और फ्रेंच ने बैन कर दिया था ठीक है अब आपको देखो यहां पे मेरी बातें समझ में आ रही होंगी अगर ब्रिटिशर्स इतने ही अच्छे थे तो इतने सालों से राज कर रहे हैं 1765, के बाद से तो एक strong है उनका उस समय क्यों नहीं कर दिया सोशल रिफॉर्म उस समय क्यों नहीं कर दिया सती प्रथा पर बैन अब समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ टाइमिंग मैटर्स टाइमिंग मैटर्स आज देखिए न्यूज आया है क्या अभी दो तीन दिन पहले तक न्यूज आ रहा था कि चाइना डिसमेंट कर रहा है कल के भी अखबार में आया था कि इंडियन ट्रूप्स वेट करते रहे जब तक चाइना वाले वहां से चले नहीं गए। आज के लिए भारत आएंगे तो उससे पहले थोड़ा टेंशन खत्म करेंगे नहीं करेंगे खत्म नहीं करेंगे तो थोड़ा कम करेंगे नहीं करेंगे इससे पहले 2017 में ब्रिक समिट हुआ था ब्रिक समिट के पांच दिन पहले मोदी जी उधर गए उससे पांच दिन पहले

permitted it initially ध्यान से पढ़ो ध्यान से सुनो अंग्रेजों ने इनिशियली इसको परमिट किया है ना बट द प्रैक्टिस ऑफ सती को फॉर्मली कब इन्होंने बैन किया कैलकटा में 1798 में है ना पर सिर्फ कैलकटा में 1798 में बैन किया इसके अलावा सब जगहों पर चल ही रहा था सारी जगहों पर ये चल ही रहा था बंगाल बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है दैट स्टार्टेड कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स अनप्रैक्टिस ऑफ सती इन 1813 1813 मार्केट ओपन हो गया है है ना अब जरूरत है भाई साहब समाज में कुछ कारनामे करने की तो यहाँ से फिर सती के खिलाफ सती के अगेंस्ट में फैक्ट्स और फिगर्स डाटा कलेक्शन शुरू किया इन्होंने है ना डाटा के अनुसार सिर्फ केवल 1817 में 700 विडो वेयर बर्न अलाइव इन बंगाल अलोन केवल बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर अब आप सोचिए उस समय आ, आ, जो आबादी थी उस समय जो पॉपुलेशन था वो आज के कं, कंपैरिजन में कितना कम रहा होगा तो इतनी कम आबादी के बावजूद है ना इतनी कम आबादी के बावजूद सिर्फ बंगाल में सिर्फ एक वर्ष में 1817 में पांच विधवाओं को के हवाले कर दिया गया जिंदा चला दिया गया किसने चलाया उनके परिवार वालों ने किसने जलाया इस समाज ने इस समाज की प्रथाओं ने कुप्रथाओं ने है ना 700 सौ विडोज को अठारह ऑनवर्ड्स है ना राजा राम मोहन रॉय ने एक जबरदस्त वाला कैंपेन चलाया पूरा जबरदस्त वाला आंदोलन चलाया सती प्रथा के अगेंस्ट है ना ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइज इन द कंट्री है ना पूरे देश में सबसे मजबूत आवाज थे ये सती प्रथा के खिलाफ है ना खूब कैंपेनिंग की इन्होंने आप जानकर हैरान रह जाएंगे इनकी खुद की भाभी जी इनकी खुद की भाभी जी इज ओन सती प्रथा खुद की भाभी जी ओन सिस्टर इन लॉ है ना वॉज फोर्स टू कमिट सती अब आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति किस कंटेक्स्ट में है ना किस बैकग्राउंड से निकल कर आ रहा है और फिर क्या करने की कोशिश कर रहा है राजा राम मोहन राय का कलकत्ता में बंगाल में इतना विरोध हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता और विरोध का जो हाइट है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक बार मतलब एक तरफ से ये आंदोलन चला रहे थे सती प्रथा के विरोध में है ना दूसरी तरफ से इनके खिलाफ आंदोलन चलता था कि ये सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं राजा राममोहन राय और इनके सहयोगी और एक बार तो हालत ऐसी हो गई कि राजा राम मोहन राय के विरोध में जब आंदोलन हो रहा था है ना आंदोलन ही कहूंगा मैं उसको जब लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरे तो राजा राम मोहन राय के विरोध में जो लोग खड़े थे उनमें से सबसे आगे उनकी माता खुद खड़ी थी ऐसा माहौल था भारत का उस समय सोशल रिफॉर्म की जो स्कोप है वो काफी कम थे, सोशल के काफी कम थे। राम मोहन राय जो है वो कलकत्ता के क्रिमेशन पर वहां के घाटों पर जाते थे और वहां पर विडो से कहते थे कि माता मत करो ये परिवारजनों से कहते थे कि माता मत करो ये राम मोहन राय को भगा दिया जाता था राम मोहन राय को भगा दिया जाता था ठीक है तो इन्होंने काफी सारे ऐसे ग्रुप्स बनाए काफी सारे दल बनाए गुट बनाए कि अलग अलग घाटों पर अलग अलग क्रिपेशन ग्राउंड पर जाकर नजर रखिए, है ना कि ऐसा कुछ भी हो तो फिर वहां पर जाके लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए तो काफी सारे वाच ग्रुप्स बताए बनाए इन्होंने इनकी पुस्तक है संबाद कॉमिदी है ना संवाद कॉमुदी तो संवाद कॉमुदी में है ना इन्होंने इसके बारे में लिखा है ना एंड दैट इट वाज नॉट रिटन इन एनी वे और एपिक्स कमेंट दिस क्राइम संवाद कॉमेडी में राजा राम मोहन राय लिखते हैं कि किसी भी वेद में किसी भी है ना एपिक्स में महाभारत रामायण में कहीं पर नहीं लिखा गया कि सती प्रथा जैसा कुछ करना चाहिए विडो औरत को विधवा औरत को कहीं पे भी नहीं लिखा गया तो फोर्थ ऑफ दिसंबर 1929 28 में बेंटिक इंडिया आए थे है ना इनका कार्यकाल शुरू होता है ट्वेंटी में और ट्वेंटी में ही है ना प्रैक्टिस वॉज फॉर्मली बैंड ठीक है बाय ठीक है 29 आते ही मास्टर स्ट्रोक खेल गए बेंटिंग समझ गए बैकग्राउंड भी समझ गए कोर्स ऑफ इवेंट्स भी कैसे कैसे चीजें हुई वो भी समझ गए ठीक है तो बैन को वापस से कोर्ट में चैलेंज भी किया गया ऐसा नहीं कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हाँ भैया बहुत अच्छा काम हो गया लोगों ने बैन को चैलेंज किया कोर्ट में और बात जो है वो प्रीवी काउंसिल तक पहुंची लंडन के प्रीवी काउंसिल ने बोला कि नहीं ठीक है अब उनको तो ठीक है बोलना ही था ये तो सोचा समझा प्लान था ना तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है और बैन वॉज अपहेल्ड कि भैया नहीं ये जायज है और ये बैन बना रहेगा सती प्रथा पर बैन बना रहेगा 1832 में कन्फर्म हो गया ट्वेंटी में बैंड टिक लेकर आए 32 में ये कन्फर्म हो गया कि ये बना रहेगा ठीक है बॉस कंफर्टेबल समझ में आ रही है बातें कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई दिक्कत कोई कष्ट ठीक है समझ गए चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं आगे समझने की कोशिश करते हैं दूसरा इन्होंने जो किया वो ठग का सपरेशन किया अब ये ठग क्या है भाई अब ये ठग क्या है 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 ना आर आर दीज दीज ठग्स ठग्स ठग क्या जल्दी बताओ जल्दी बताओ एक बालक पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में सर अभी तक आपकी कितनी क्लासेस हो गई अगर मॉडर्न हिस्ट्री की पूछ रहे हैं तो तेरह क्लासेस शायद हो गई आज चौदवी क्लास है फोर्टीन क्लास है ना तो आप प्ले देख लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे आपको प्ले मिल जाएगा है ना देखो एक बात बताओ लेज अनहेल्दी है कुरकुरे अनहेल्दी है फिर भी ज्यादा लोग खाते हैं ना हेल्दी क्या है स्प्राउट्स कितने लोग खाते हैं भाई कितने लोग खाते हैं स्प्राउट्स कम लोग खाते हैं हम हेल्दी फूड देंगे भैया भले कम लोग खाएं मतलब नहीं है पर जो खाए वो कल को ये ना बोले कि भैया मुझे बीपी हुआ अगर मेरी जान गई तो इस लेज कुरकुरे की वजह से गई कल को हेल्दी रहे तो भले ही ना बोले कि मैं प्राउड्स की वजह से हेल्दी रहा है ना पर लेस कुरकुरे नहीं खिलाने उच्चतम क्वालिटी का कंटेंट देना है भीड़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है एक ही लक्ष्य एक ही पर्पस सिलेक्शन जितना हो सके उतना सिलेक्शन है ना भीड़ बढ़ा के तो बड़े पड़े है ना बड़े सारे आपको ऐसे एस एस सी के टीचर्स अब एस एस सी में आप जाइए तो एस एस सी के टीचर्स के पास मिलियंस फॉलोअर्स हैं हमें मिलियन नहीं चाहिए ना हमें दस हजार क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाने बच्चों को हमें बच्चों को दस क्वेश्चन सोल्व कराने अच्छे क्वेश्चन सोल्व कराने हैं और फिर उनमें से हमें क्या चाहिए रिजल्ट आउटपुट चाहिए आउटपुट ड्रिवन करो है ना आउटपुट ड्रिवन करो पब्लिसिटी बाद में आएगी पब्लिसिटी से मतलब नहीं है है ना कंटेंट का क्वालिटी इतना उच्च कोटि का हो कि सामने जो बैठा है उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है उसके अंदर जब नॉलेज बेस उसका डेवलप होगा तभी उसका कॉन्फिडेंस आएगा काफी सारे बच्चे एग्जाम से पहले मेरे से कहते हैं कि सर हम माँ पे फलाम पढ़ते थे आज भी काफी सारे बच्चों का टेलीग्राम पे मैसेज आया अक्सर आता है कि सर हम तो मार्च से तैयारी कर रहे हैं पिछले पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा समझ में आ नहीं आ रहा कि इस बार मैं अटेम्प्ट अटेम्प्टू या नहीं दू जब आपका नॉलेज बेस अच्छा होगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा बिना अच्छा साउंड नॉलेज बेस के कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता आपको है ना नापरेशन ऑफ ठग ठग कौन होते थे एक गैंग टाइप का होता, मतलब होता था इनका एक मतलब गिरोह टाइप का होता था है ना लूटपाट मचाते थे भौकाल मचाते थे इधर इसको आज उसको लूट लिया आज उसको लुट लिया कल उसको मार दिया तो गमछा बांध के गला में मार देते थे एकदम है ना गमछा भी नहीं रखा हुआ कैसे बताएं आपको टिश्यू पेपर रखा हुआ है तो यही टिश्यू पेपर जो है ये गले के चारों तरफ ऐसे करके बांध देंगे है ना ऐसे करके और बस रुमाल से भी मारते थे तो रुमाल जैसा ये हो गया ठीक है एकदम गमछा बांध के मार देते थे और लूट भी लेते थे तो धोखा देना लूटना ये सब इनका काम था बट समझने की जरूरत यह है कि ठग और चोर डिफरेंट है ना? ठीक है? इस बात को समझिएगा कि were different from thieves, है है? है ना? ना? जो वो thieves से अलग थे, है? They were not thieves. तो, heredity, थे, ठीक ठीक? तो होते मतलब पिता ये काम करते थे बेटा भी वही काम करेगा पोता भी यही काम करेगा इस प्रकार से होता था जिनका प्रोफेशन ही था कि लोगों को धोखा देना है ना स्ट्रेंगल टू डेथ है ना विद देयर पगड़ी और ट्रैवल करते थे भेस बदलकर मर्चेंट बनकर पिलग्रिम बनकर है ना कि भैया तीर्थयात्री हैं हम एक तीर्थयात्रियों का ग्रुप जा रहा है या मर्चेंट बनकर ट्रेडर्स बनकर ये लोग ट्रैवल करते थे और मतलब एथिक्स, कि अगर आप बात करेंगे आप बोलेंगे कैसे लोग हैं मार देते थे भाई साहब इनके अंदर भी एथिक्स था ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स है ना आपस में किसी को धोखा नहीं देंगे लोगों को धोखा देना इनका काम है पर आपस में यूनाइटेड रहेंगे किसी को धोखा नहीं देंगे मां काली की कसम खाते थे मां काली के नाम पर कसम खाते थे कि आपस में ग्रुप में है ना ग्रुप से लॉयलिटी की कसम मां काली की खाते थे भाई साहब ठीक है तो दे वर बोर्न बाय एन ओथ ऑन द राइट्स ऑफ देयर डीटी गॉडेस काली ठीक है तो माँ काली की कसम खाते थे कि आपस में बिल्कुल लॉयल रहेंगे किसी को धोखा नहीं देंगे कोई गलत काम आपस में नहीं करेंगे ठीक है तो ये टर्म आया कहाँ से संस्कृत का एक टर्म है शठक है ना वहां से आया ये ठीक है विच मीन्स स्लाय है ना तो ऑर्डिनरी थी नहीं होते थे दे वेर बैंड ऑफ पीपल हुस्ट रिकॉर्डेड बाई बर्नी ट्रेवलर है ना बर्नी है ना तो बर्नी ने सबसे पहले इनके बारे में लिखा है ठीक है वेन ही मैंशंस दैट फिरोज शाह तुगलक कैप्चर्ड ठग्स तो फिरोज शाह तुगलक के दौरान भी ठग हुआ करते थे मतलब मध्यकालीन भारत के समय भी ठग हुआ करते थे और फिरोज शाह तुगलक ने कैप्चर तो किया पर जानते हैं फिरोज शाह तुगलक ने इनको किसी को मारा नहीं ठग कितने पावरफुल थे इस बात को समझने की जरूरत है आपको तो। फिरोज शाह तुगलक ने ठगों को पकड़ लिया पर मारा नहीं फिरोज शाह तुगलक ने नाव के माध्यम से उनको लखनऊ भेज दिया और लखनौती में फिर देवर सेट फ्री ऐसा नहीं कि उनको बना के रखा गया सिर्फ उनको दिल्ली से दूर भेजा गया कि कैपिटल कैपिटल सिटी सिटी में परेशानी ना करें। सिटी परेशान ना करें की आवाम को परेशान तो दिल्ली से डिपार्टमेंट बनाया गया किसके द्वारा बेंटिक के द्वारा ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट ठीक है ठीक है विलियम हेनरी सीमैन को इसका क्या बनाया गया सुपरिटेंडेंट बनाया गया ठीक है तो बाद में इनको कमिश्नर के रूप में प्रमोट भी किया गया एंड ही इज वन ऑफ द की पर्सन बिहाइंड सेपरेशन ऑफ ठगी है ना बिहाइंडली मतलब गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं तो उनका नाम तो हो ही पर अगर मैं अधिकारियों में बात करूं है ना कि जिसने इसको इंप्लीमेंट किया प्रॉपरली ही इज नन अदर देन हेनरी स्लीमैन है ना तो हेनरी स्लीमैन ने काफी इफेक्टिवली इनको मैनेज करने की कोशिश की

तो सेपरेशन ऑफ ठगी वाज वन ऑफ है ना वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक बाय विलियम बेंटिक अब आप बोलेंगे सर सेपरेशन ऑफ ठगी से क्या रिलेवेंस है सेपरेशन ऑफ ठगी से क्या रिलेवेंस है भैया बिजनेस बढ़ाना है 1813 में मार्केट खोल दिया गया 33 में पूरा खोला जाना है है ना 33 में पूरा खोला जा गया है कंप्लीट इंडियन मार्केट अब एक बात बताओ आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप बिजनेसमैन हैं है ना आप बिजनेसमैन आप इंडस्ट्री लिस्ट आप इंडस्ट्री कहां लगाना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बस्तर में जहां पे आए दिन आतंकी घटनाएं होती है, आए दिन घटना होती है का वहां पे लगाना चाहेंगे क्या जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगाना चाहेंगे या आप किसी शांत सी जगह में लगाना चाहेंगे कि पुणे के आसपास लगाते हैं भाई साहब कोई टेंशन नहीं है कहाँ लगाएंगे इंडस्ट्री आप अहमदाबाद में इंडस्ट्री लगाएंगे या आप जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंडस्ट्री लगाएंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कब जब वहां पर so, पीस होगा पीस इज द दस ऑफिसर ऑफिसर के बिना अधूरा काम है क्या उस जगह में किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है क्या उस जगह का रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है सबके मायने ही खत्म हो जाएंगे जब तक वहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर एस्टेब्लिश ना हो तो बिजनेस को बढ़ाना है है ना बिजनेस को बढ़ाना है बढ़िया मार्केट क्रिएट करना है यहां पर जब मार्केट बढ़िया क्रिएट करना है तो उसके लिए पहले प्री कंडीशन क्या है शांति आप देखिए किसी भी देश पर हमला हो जाए विश्व के तुरंत भारत का स्टॉक मार्केट गिरने लगता है भारत पर आतंकी हमला हो जाए स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है तो सिक्योरिटी इज द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिक्योरिटी इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीस इज द बेसिस ऑफ ग्रोथ ठीक है समझ लो और सुन लो और दिमाग में बैठा लो ये सारी बातें आपको लिख कर आनी है मेंस में ये जो फैक्ट्स बता रहा हूं ये तो आपको प्री में क्वेश्चन मार नहीं है मेंस में भी लिख कर आना है इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है आधी अधी तैयारी करके समय खराब नहीं करना है कल भी बोला था आज दोबारा बोल रहा हूं जिंदगी में जिस चीज में दिल लग जाए शिद्दत से लगाओ जिस चीज में भी दिल लगे शिद्दत से लगाओ इतने शिद्दत से लगाओ कि आज के दो साल बाद तीन साल बाद पांच साल बाद इस बात का गम ना हो कि हां जिंदगी में यह भी काम किया था खुशी लगे कि अरे हां वो किया था और देखो सफल हुआ आज मैं बंद गला सूट पहनकर पंद्रह अगस्त को झंडोत्तोलन करने के लिए परेड ग्राउंड में जा रहा हूं ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए भगवान ने करे किसी वजह से आपने तैयारी छोड़ दिया कुछ और प्रायोरिटीज आ गई आपने ट्रैक चेंज कर लिया तब भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि भैया इतने समय जब मैंने तैयारी की तो मैंने खूब जमकर पढ़ा दी वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर जिंदगी में आप काम शुरू करते जाएंगे हाथ लगाते जाएंगे आधा दूरा रहता जाएगा और आप कभी भी एक खुश इंसान नहीं बन पाएंगे सेटिस्फाइड आदमी नहीं बन पाएंगे जहां दिल लगाओ शिद्दत से लगाओ चाहे वो आपके करियर से संबंधित हो चाहे वो आपके जिंदगी के किसी एस्पेक्ट से संबंधित हो तबीयत से करो शिद्दत से करो है ना चलिए

कॉस्टली अफेयर है ना और कंपनी को क्या करना है कंपनी का फायदा हो गया है कम कंपनी को करना है कॉस्ट कॉस्ट कटिंग कटिंग अब जब करना है तो कॉस्ट कटिंग करने के कॉस्ट कटिंग करने के रास्ते क्या होंगे बोलिए प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील ये सर्किट कोर्ट बोला खत्म कर दो है ना वैसे भी कौन सा इनको बहुत जस्टिस दिलाना है भारत के लोगों को वैसे भी कौन सा बहुत जस्टिस दिलाना है भारत के लोगों को दिला खत्म करो है ना तो दिस वॉज डन बाय रेगुलेशन पास इन ट्वेंटी नाइन

तो बोले कमिश्नर बनाइए रेवेन्यू का इंड सर्किट का और ये सारा काम करेंगे और इस परपज के लिए जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसको डिवाइड कर दिया गया बीस डिवीजन में बंगाल प्रेसिडेंसी को कितने डिवीजन में डिवाइड किया बीस डिवीजन के लिए और हर डिविजन वॉज प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट कमिश्नर है ना हर डिवीजन को एक अलग कमिश्नर के अंदर रख दिया गया है ना प्रम... ये डिवीजन का मतलब क्या हो गया जिसको आज आप हिंदी में प्रमंडल कहते हैं है ना तो प्रमंडलीय आयुक्त है ना प्रमंडलीय आयुक्त बैठाए गए ठीक है फॉर रेवेन्यू केसेस द कमिश्नर वर्ग डायरेक्टली अंडर द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ठीक है बारे में तो आप जानते ही है, है ना तो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर वो काम करेंगे एंड फॉर क्रिमिनल केसेज दे वर्ग अंडर सदर निजामत अदालत मतलब वही कमिश्नर है एक तरफ बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के अंदर काम कर रहा है एक तरफ सदर निजामत अदालत के अंडर काम कर रहा है ठीक है द द सेम सेम पर्सन पर्सन ठीक है समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात यहां तक की कंफर्टेबल चलिए अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो फिर आगे समझिए सेपरेट दीवानी एंड सेपरेट निजामत अदालत वेयर ओपन एट अलाहाबाद अलाहाबाद में सेपरेट दीवानी दीवानी मतलब जो रेवेन्यू अफेयर से डील करेगा है ना विल डील विद अफेयर

सम्मान्य भारतीय लोगों को क्या बनाया जाएगा वहां पर जज के रूप में अपॉइंट किया जाएगा ठीक है तो इनको बोला गया क्या मुंसिफ है ना इनको क्या बोला गया मुंसिफ तो वेयर टू बी अपॉइंटेड ऑन अ सैलरी एंड दे कुड डिसाइड केसेस वर्थ लेस देन बीटेड्रेड रुपीज अब आप बोलेंगे सर भारतीयों को अपॉइंट किया जा रहा है वो तो समझ में आ गया पर इसका क्या मतलब है कि थ्री हंड्रेड रुपीज तक के के केसेस का निपटारा कर सकते हैं वॉट डू यू मीन बाय दैट कि तीन सौ रुपये तक का केसेस का निपटारा कर सकते हैं तो भैया है, मैंने आपको पहले ही बताया केसेस कौन से होते थे ज्यादातर केसेस होते थे रेवेन्यू अफेयर के है ना कि रेवेन्यू बकाया है नहीं दिया इसको इतना देना था वो कह रहे नहीं भैया मुझे इतना देना था तो बोले तीन सौ रुपए तक का है ना जो डिस्प्यूट है उसमें अगर तीन सौ रुपए तक का अमाउंट है तब इंडियन जज हैंडल कर सकता है उससे ऊपर का हो तो नहीं करेगा है ना इसके अलावा एक सेपरेट रेगुलेशन में इट वॉज डिसाइडेड कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल वुड अपॉइंट रेस्पेक्टेबल इंडियंस एट द पोस्ट ऑफ सदर अमीन्स है ना तो सदर अमीन्स वुड लेटर अपील है ना वुड हियर अपील फ्रॉम द जिला एंड द सिटी कोर्ट तो मुनसिफ के ऊपर कौन होगा मुनसिफ के ऊपर होगा अमीन ठीक है तो यहाँ अमीन बैठा और अमीन के नीचे कौन मुनसिफ मुनसिफ ठीक है अमीन के नीचे ये मुनसिफ बैठे सदर अमीन जो है ही इज नाउ द हाइएस्ट है ना जुडिशियल इंडियन ऑथोरिटी ठीक है तो एक भारतीय जुडिशियल पोजीशन पर सबसे हाईएस्ट कौन है सदर अमीन ठीक है However, निदर नॉर सदर अमीज ट्रायल यूरोपियंस ये बड़ी बात है जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे बिल के बारे में पढ़ेंगे तो इलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी इसी प्रोविजन की वजह से होगी कि भैया इंडियन जजेस तो आ गए सिटी लेवल पर है सदर लेवल पर है पर इंडियन जजेस कैन नॉट डिसाइड एनी केसेस इन विच यूरोपियंस आर इन्वॉल्व किसी भी केस में अगर यूरोपियंस इन्वॉल्व है वो केस का सुनवाई फॉन नहीं कर सकता उस केस का सुनवाई इंडियन जजेस नहीं कर सकते साइड आ गया हूँ स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से ले लो जल्दी से ले लो ठीक है जल्दी से ले लो ठीक है जी कंफर्टेबल चलिए आ जाइए फिर इधर आते आ जाइए इधर आते ठीक है चलिए तो इसके अलावा इस कालखंड में और क्या-क्या हुआ इसके अलावा इस कालखंड में 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ अलग से पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट है ना इनको सबसे लिबरल ब्रिटिश गवर्नर माना जाता है ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लिबरल गवर्नर जनरल इनके टाइम पर ही राजा राममोहन राय अपना सती के खिलाफ जो आंदोलन वगैरह है वो चला रहे थे तो एक तरह से समझ सकते हैं कि इनका टाइम पीरियड और जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का टाइम पीरियड है है ना वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा था इन्हीं के टेन्यूर के समय हो रहा था और एक काम जो इन्होंने किया वो इन्होंने की कि, कि रंजीत सिंह के साथ है ना परपिचुअल फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की अब रंजीत सिंह के साथ परपीचुअल ट्रीटी के फ्रेंडशिप के क्या मायने हैं ये आप समझेंगे कल के क्लास में जब हम देखेंगे पंजाब की कहानी है ना द स्टोरी ऑफ पंजाब द स्टोरी ऑफ पंजाब कल की क्लास में ठीक है तो ये थी विलियम बेंटिक की कहानी हम अगले क्लास में पंजाब की कहानी सुनेंगे एंड द नेक्स्ट क्लास इज ऑब्वियसली टुमारो सी यू गैज टुमारो एट सेवन पी फॉर हिस्ट्री अभी नौ बजे मिलने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्लास के लिए तो आज नौ बजे सबको मिलना है एवरीवन शुड ज्वाइन मी एट नाइन पीएम बहुत अमेजिंग करंट अफेयर्स है ना हम लोग करेंगे यहाँ पर अमेजिंग तरीके से बढ़िया शानदार तरीके से तो नौ बजे मुझे जरूर ज्वाइन कीजिए आप सब लोग ठीक है चलो बाकी इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन यू कैन जॉइन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एज वेल ठीक है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे बैचेस जो है वो अठारह तारीख से शुरू हो गए हैं ऑलरेडी है ना नेक्स्ट बैचेस भी शुरू होने वाले हैं बट जो बैचेस शुरू हो गए हैं अगर आप उनको ज्वाइन कर लें तो और अच्छा है पाँच दिन हुए हैं अभी बीच में संडे भी था ज़्यादा क्लासेस आपके गए नहीं होंगे इफ़ यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस इट विल बी ग्रेट ठीक है चार पाँच दिन आगे रहेंगे बाकी आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं बीस के लिए सॉरी इक्कीस के लिए बाईस के लिए तेईस के लिए इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में सारे मीडियम में अवेलेबल है बैचेस डी एल आई विज द कोड हमेशा यही कोड यूज़ करना है टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और जो फी स्ट्रक्चर है वो फोर्टी नाइन थाउजेंड वन ईयर के लिए सेवेंटी टू टू ईयर के लिए नाइन्टी थ्री ईयर के लिए कोड है अपना डी एन आई ठीक है डिस्काउंट के बाद जो फी है वो ये दिस इज द फी आफ्टर डिस्काउंट डन कोई दिक्कत नहीं बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या हो टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना रिगार्डिंग मैसेजिंग भी ऑन टेलीग्राम कोशिश क्या करो कि जब क्लास खत्म हो जाए उस समय मैसेज क्या करो क्लास से पहले मैसेज मत क्या करो क्योंकि तो फिर आपकी उम्मीद भी तो रहती है कि सर रिप्लाई कर दें ठीक है तो क्लास से पहले है ना क्लास से पहले जो है आप मत किया कीजिए ठीक है क्लास के बाद आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा क्लास से पहले मैसेज करेंगे तो शायद मैं आपको रिप्लाई ना कर पाऊँ फिर आप उम्मीद में भी रहते हैं कि सर रिप्लाई नहीं किया अभी तक ठीक है जी कंफर्टेबल चलिए बाय एवरी वन बाय एवरी वन टेक केयर ठीक है अच्छे से रहिए खूब मज़े से रहिए और एंजॉय हैव फन Let's crack it guys.